नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नया अनुभव ही होगा। जितने भी प्रश्न आज के इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, सभी प्रश्नों की जो व्याख्या है वो बिल्कुल सचित्र दी गई है, ताकि आपको जो है लास्ट टाइम तक जो आपका इंटरेस्ट है वो बना रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और क्योंकि प्रत्येक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, खासतौर से यूपीएसआई, लेखपाल भर्ती, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एग्जाम्स, और साथ ही ये जो प्रश्न है वो यूपीपीएससी में भी पूछे जा रहे हैं। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिए। क्वेश्चन होगा कि ताप या ज्वर को कम करने के लिए किस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ताप या ज्वर को कम करने के लिए जो दवा प्रयोग में लाई जाती है उसको कहा जाता है एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स का मतलब ही होता है ज्वरहारी या संतापहारी। अच्छा, ट्रैंक्विलाइजर जो होता है ना, ट्रैंक्विलाइजर नामक जो ड्रग होता है, जो दवा होती है, ये दिमाग को शांत रखने वाली दवा होती है। यानी कि अगर क्वेश्चन ये होता कि ट्रैंक्विलाइजर जो दवाएं होती हैं वो किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, तो वो दिमाग को शांत करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया या फिर हेलमेंथीज। सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा, यानी कि पोरीफेरा। और ये जो जीव होते हैं, यानी कि पोरीफेरा जो समुदाय है, इसके जो जीव होते हैं ये चल फिर नहीं सकते। प्राणी जगत के ये ऐसे जंतु हैं जो कि चल फिर नहीं सकते, और इनका जो शरीर होता है वो बेलनाकार होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसका उदाहरण क्या होता है, यू स्पंजिया या फिर ल्यूकोसोलिनिया जो जीव होते हैं, ये जो है आते हैं पोलीफेरा संघ के अंतर्गत, और इनकी जो संरचना होती है इसमें स्पंज गुहा पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही जवाब ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है। देखिए, जो झुलसा रोग होता है दो प्रकार का होता है, एक अगेती होता है, दूसरा पछेती भी होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है। जो लोग गांव से संबंधित हैं वो लोग समझ गए होंगे इस पौधे को देखकर, ये आलू है और इसी में ये जो रोग है वो लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है इससे कि अगेती झुलसा नामक जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, इसका कारण क्या होता है। तो ये जो रोग होता है अगेती झुलसा, वो एक कवक की वजह से होता है, और इस कवक का नाम है सोलेनाई। कवक का नाम याद रखना, सोलेनाई। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। अगर आपको अपना ऊपर से नीचे तक, सर से लेकर पैर तक खुद को देखना है, तो एक समतल दर्पण जो आप लेंगे वो आपकी ऊंचाई का कितना होना चाहिए। आपकी ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जी हाँ, ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही हो जाता है। तो फिर आगे के जो विकल्प नहीं डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा कि जितनी आपकी ऊंचाई है, मान लेते हैं आपकी ऊंचाई अगर 6 फीट है, तो आपका जो समतल दर्पण होगा वो 3 फीट का होना चाहिए, तब आप उसमें अपना जो है पूरा प्रतिबिंब देख सकेंगे। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई यूनिट क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन इसको कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, पाइज, टेस्ला, डिओप्टर या फिर कैंडेला। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि टेस्ला, याद रखिएगा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, और इसको जो है बी, ये सिंबल है इसका बी, टेस्ला को जो है बी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, याद रखना। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, चींटियों के अध्ययन को आप क्या कहेंगे, मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी या फिर नीडोलॉजी। तो याद रखिएगा कि जो चींटियों का अध्ययन होता है वो किया जाता है मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी और नीडोलॉजी, इसके अंतर्गत किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, यह क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो आपको बता दें कि जो हर्पेटोलॉजी है इसके अंतर्गत उभयचर, उभयचरों में कौन कौन से आते हैं, मेंढक, टोड, सेलामेंडर आदि, और सरीसृप यानी कि जो रेप्टाइल्स होते हैं जिसमें सांप, छिपकली, कछुए आ जाते हैं, तो उनका अध्ययन जो होता है वो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
नेमेटोलॉजी क्या होता है? नेमेटोलॉजी के अंतर्गत जो कृमि होते हैं, सूत्र कृमि या फिर गोल कृमि, इसका अध्ययन किया जाता है नेमेटोलॉजी के अंतर्गत। नीडोलॉजी क्या है? नीडोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी एक पॉइंट अगर आपसे पूछा गया तो इसका सही जवाब आपको देना पड़ेगा। किस कारण से प्याज के छिलके उतारने पर आंसू निकलते हैं? प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है? सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक अम्ल या सल्फेनिक एसिड या फिर अमीनो एसिड या फिर कार्बोलिक एसिड। देखिए यहां पर जो विकल्प दिया गया है उसके मुताबिक सही जवाब है सल्फेनिक एसिड। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेकर जाना चाहूंगा कि पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि प्याज में पाए जाने वाले एलिनेस नामक एंजाइम के कारण आंखों में जो है वो आंसू आते हैं। बहुत लंबे समय तक इसी को कारण माना गया, लेकिन अब इसकी जो असली वजह है वो निकल कर आई है। तो वजह थोड़ी सी जो है डीप में आपको लेके जाती है, यानी कि थोड़ा गंभीरता से समझिए इसको। नए रिसर्च में ये पता चला है कि प्याज में लेक्ट्रा इमेट्री फैक्टर सिंथेस नामक एंजाइम पाया जाता है, और जब आप प्याज को काटते हैं तो ये जो एंजाइम होता है लेक्ट्रा इमेट्री फैक्टर सिंथेस, ये एंजाइम निकलता है। और शोध से ये भी पता चला कि जब हम प्याज को काटते हैं तो ये जो एंजाइम है वो प्याज में मौजूद अमीनो एसिड को सल्फेनिक एसिड में बदल देता है, जो कि विकल्प बी में आपको दिया गया है। और बाद में यही जो सल्फेनिक एसिड है वो भी बदल जाता है साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड में। बेसिकली सल्फेनिक एसिड ही यहाँ पर विकल्प था, तो हमारा जवाब बनेगा, हालांकि फाइनली ये साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड में बदलता है। और ये जो साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड है वो जब आंख में पहुंचता है तो हमारी आंखों में पाए जाने वाले जो लेक्रा इमल ग्लैंड है उसमें परेशानी होती है, इससे आंखों में जलन होती है और जलन की वजह से आंसू निकलने लगते हैं। तो एक लंबी जो है केमिकल रासायनिक प्रक्रिया है जिसकी वजह से प्याज जब आप काटते हैं तो आपको आंसू निकलने लगते हैं। वैसे बचने का तरीका भी है, प्याज का जो ऊपरी छिलका होता है उसको आप अगर हटा दें, थोड़ी देर पानी में डाल दें या फ्रिज में रख दें तो फिर आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन गैस होती है इसका क्रांतिक ताप क्या होता है? अब यहां पर तो एक सवाल और भी बन सकता है कि क्रांतिक ताप होता क्या है, इसको जो है क्या कहते हैं आप? देखो इसको कहेंगे आप क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी गैसें होती हैं जब उस पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसके जो अणु होते हैं, मान लेते हैं ये वेसल है आपका, बर्तन है, इसमें गैसें हैं। अब ये जो वेसल इसको आप दबाते जाएंगे तो फाइनली क्या होगा, एक अवस्था ऐसी आएगी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं जो दूर दूर हैं वो क्रमशः कम मतलब पास आते जाएंगे और फिर जो कोई भी गैस होती है वो द्रव में बदल जाती है। तो लेकिन अगर इसका तापमान बढ़ाया जाए तो एक ऐसा तापमान भी होता है जिस पर आप कितना भी दबाव डाल दें जो गैसें होती हैं वो द्रवीभूत यानी कि लिक्विड में नहीं बदलती हैं, उसी ताप को यहाँ पर क्रांतिक ताप कहा जाता है। और ऑक्सीजन के लिए ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? ऑक्सीजन का ये 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, इसको आप KBR से इंडिकेट करते हैं, सिंबल है। तो ये जो पोटेशियम ब्रोमाइड है इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता था। था का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब रील वाला जो फोटोग्राफ पहले लोग खींचते थे अब तो वो बंद ही हो गया, अब कैमरे भी डिजिटल हो गए हैं और ज़्यादातर लोग फोटो जो है अपने मोबाइल फोन से ही खींच रहे हैं। तो जब रील से फोटो खींची जाती थी तो जो फोटो है उसमें धुंधलापन न आए इसके लिए जो है ये KBR पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो प्रयोग में लाया जाता था। तो अब तो फिलहाल चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन ये जो फैक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। हास्य गैस क्या होती है? बेसिकली जो हास्य गैस होती है ये एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती है, और ये जब गैस आपकी बॉडी में जाती है आप इसे सूंघते हैं तो आपको हंसी आने लगती है, और यही वजह होती है कि इसे लॉफिंग गैस का नाम भी दिया गया है। और ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सिंबल होता है N2O, नाइट्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसे आप सूंघेंगे तो आपको क्या होगी, आपको हंसी आने लगती है। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? नायलॉन, रेयॉन, सूत या फिर टेरिलीन? हो सकता है कि आपका जवाब इसमें नायलॉन हो क्योंकि ये बहुत अधिक चर्चा में रहता है, तो ये जवाब गलत हो जाएगा। सही है आपका रेयॉन।
हालांकि रेयान भी जो होता है ये प्राकृतिक जो आपके बहुलक होते हैं उसी से बनता है, इसलिए 100% जो है सिंथेटिक तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी रेयान यहाँ पर सही जवाब होगा कि जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है उसमें रेयान जो होता है ये प्रयोग में लाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेयान। कांच का कौन सा प्रकार उष्मारोधी होता है? कांच का कौन सा प्रकार उष्मारोधी होता है, यानी कि इस पर उष्मा का प्रभाव कम होता है? तो ये जो कांच का प्रकार है उसे कहते हैं पायरेक्स कांच, ठीक है, पायरेक्स कांच। और इसको एक नाम और भी दिया गया है बोरोसिलिकेट कांच, ठीक है, बोरोसिलिकेट कांच या फिर पायरेक्स कांच। ये ताप प्रतिरोधक क्षमता होती है बोरोसिलिकेट या पायरेक्स कांच में। तो ऐसे बर्तन जिसमें गर्म पानी वगैरह रखा जाता है तो वो पायरेक्स के ही बने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पानी, पानी जो आप पीते हैं उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच स्केल पर अगर आप जाएंगे 7 पर क्या होता है, कोई भी द्रव जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से कम होगा तो ये क्या होता है, ये एसिडिक हो जाता है, यानी कि अम्ली हो जाएगा। 7 से ज्यादा आने पर ये बेसिक हो जाता है। तो आपका जो जल है वो सेवन पर होता है, यानी कि हमारा जो जल है ना तो अम्ली होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो सेवन हमारा सही जवाब है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था किसके द्वारा? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, डी ब्रोगली या फिर मेंडेलीफ। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जॉन डाल्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि वाशिंग सोडा क्या है? वाशिंग सोडा सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइसल्फेट। तो फ्रेंड्स यहां पर सही जवाब क्या बनेगा, देखिए जो वाशिंग सोडा होता है इसको आप धावन सोडा भी कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम के दो अणु, यानी कि आप लिखेंगे इसको इस प्रकार से Na2, फिर C होगा एक अणु, फिर O3, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट ये होता है वाशिंग सोडा या फिर धावन सोडा या फिर धोने वाला सोडा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि एक तो हो गया धोने वाला सोडा जिससे आप कपड़े वगैरह धोते हैं, एक होता है मीठा सोडा जिसको आप खाते हैं, उसको आप खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोने वाला सोडा तो मैंने आपको बता दिया, ये Na2CO3 हो गया, तो खाने वाला जो सोडा होगा उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, इसको क्या कहते हैं? और यहाँ पर विकल्प दिया गया है, ठीक है, इन्हीं में से कोई एक है, ए बी और सी डी में से कोई एक है, तो बताइए कि ये कौन सा है। मैंने इतना हिंट आपको दे दिया है, कमेंट करके आप बताइए। और ये जो लेक्चर आपने सुना है इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो फटाफट आप आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। वहां पर ये PDF आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, PDF को डाउनलोड करके भी अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।